मध्य प्रदेश में रविवार को अचानक मौसम बदला, जिससे भोपाल से लगे सीहोर जिले के अवलगढ़ पिकनिक स्पॉट पर बरसाती नदी में उफान आने से करीब 100 सैलानी फंस गए, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने का लगा। आज इस पर प्रतिबंध के बावजूद नहाने गए लोगों को एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में प्रतिबंध के बावजूद अमरगढ़ आने वाले पर्यटकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। ये सभी लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन तेज बारिश आने के कारण बरसाती नदी में बाढ़ आ गई और ये निकल नहीं पाए, जिससे जंगल के अंदर ही फंस गए। लोगों के जंगल में फंसे होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने पर्यटकों के सुरक्षित निकाले जाने तक पल पल की जानकारी लेते रहे और अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने प्रतिबंध लगाया। वहीं मामले को लेकर एसडीएम राधेश्याम बघेल ने कहा कि सभी लोगों को बारिश के दौरान अमरगढ़ नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके बाद भी यदि कोई अमरगढ़ आते हैं तो उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सब लोग पिकनिक मनाने गए थे और कुछ काम वाले भी गए थे उधर। इतने में अचानक आ गई बारिश एकदम, सभी लोग वहां से चल दिए। पानी जैसा शुरू हुआ वैसे ही, फिर आके बीच में सिलवानी को में नदी आ गई, सभी लोग वहां खड़े रहे। नदी आने के बाद में करीबन करीबन 2 घंटे हम वहीं पे रुके रहे। रुकने के बाद में जब नदी हो गई कम, रस्सी बांध बांध के सबको इधर निकाला। निकालने के बाद में सभी लोगों को लेके बाहर आए। सभी लोगों को निकाल लिया? हाँ, सब लोग निकल गया बाहर। यहाँ फंसे हुए थे 50-60 लोग फंसे हुए। सभी का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया? हाँ, कर लिया गया इनका। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही कि जो लोग ये फंस गए थे? ये सर फंस गया अधिक बारिश के कारण फंस गया। तो वन विभाग की तरफ से इनको कोई चेतावनी देकर छोड़ा गया क्या? नहीं, उनको सर चेतावनी समझाए, पंचनामा भी बनाए, उनको समझा दिए कि आप न और हमारी अनुमति से नहीं गए, वो उनकी मर्जी से ही प्रवेश हो गए थे। और अचानक जो तेज बारिश हुई पहाड़ी, तो वहाँ पहाड़ी नाला आ गया और उसमें वो पर्यटक फंस गए थे। तो वो मैसेज कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो तत्काल ही जो थाना डीआरसी होती है, थाना प्रभारी होते हैं, वो घटनास्थल पहुंच गए। यहाँ से भी एसडीआरएफ टीम निकल गई थी और प्रशासन और पुलिस सबके सहयोग से